गाइस, इस फोन के कैमरे के डिजाइन को इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है, फ्लैश कैमरा 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 फ्लैश। इस फोन के ब्रांड का नाम होगा TCL और मॉडल का नाम है 10 Pro, मतलब कि TCL 10 Pro इस फोन का नाम है। और जल्दी ये फोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है 10 Pro की डिजाइन की। इस फोन में फ्रंट में और बैक में दोनों ही तरफ आपको ग्लास मिल जाता है और फ्रेम मिलता है एल्युमिनियम का, और साथ ही ये काफी हल्का भी होगा। इसका वजन होगा 177 ग्राम। और साइड में आपको मिल जाते हैं वही कॉमन से वॉल्यूम रोकर। तो रही बात इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 10 के साथ गाइस आपको मिलता है इसमें TCL UI का इंटरफेस। तो गाइस, अब बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। इस फोन में आपको मिल रहा है मीडियम परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन 675 और GPU मिलता है आपको Adreno 612 का। तो अब बात आती है इसकी डिस्प्ले की। इस फोन में आपको मिलेगी 6.47 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। पढ़े इस फोन का प्रोसेसर एक मीडियम परफॉर्मेंस वाला हो, पर इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक अलग सी बात है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, अब तक ज्यादातर कर्व्ड डिस्प्ले जिन फोनों में मिलती है उनका प्रोसेसर या तो स्नैपड्रैगन 865 होता है या फिर उसके जैसा कोई हाई एंड प्रोसेसर होता है। और इसकी डिस्प्ले का रिजोल्यूशन मिल जाता है आपको 1080x2340 पिक्सल्स का, और जिसकी वजह से इसकी पिक्सल पर इंच की डेंसिटी होगी 398 ppi की। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस फोन में आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है जिसकी वजह से इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो भी बढ़ जाता है। तो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 89.5%। तो अब बात आती है इसकी लाइन वाले कैमरे की, मतलब कि इसके बैक कैमरे की। तो इस फोन में आपको मिलता है 64 MP का वाइड कैमरा प्लस 16 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस 5 MP का मैक्रो कैमरा एंड 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। और साथ ही में आपको इसमें मिल जाती है LDAF, मतलब कि लेजर डिटेक्शन ऑटो फोकस। और साथ ही आपको मिलती है 10x की हाइब्रिड जूम। और कैमरे सीरीज के लेफ्ट और राइट साइड में आपको 2 LED फ्लैश में मिल जाएंगी। और साथ ही कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 4K वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकेंड। सो गाइज, बैक कैमरे के बाद अब बात आती है इसकी सेल्फी कैमरे की। इस फोन में आपको मिलता है 24 MP का वाइड एंगल कैमरा जो कि रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकेंड। इस फोन में आपको मिल जाते हैं 6GB रैम प्लस 128GB रोम एंड इट सपोर्ट माइक्रो SD कार्ड अप टू 256GB। तो रही बात इसकी बैटरी की, इस फोन में आपको मिलती है 4500mAh की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली बैटरी, और साथ ही आपको फ्यूचर मिल जाता है क्विक चार्ज 3.0 का जिसकी वजह से फोन चार्ज हो जाता है 50% इन 35 मिनट। तो बात करें इसकी कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन की, इसमें आपको मिल जाता है 3.5mm का ऑडियो जैक, साथ ही मिल जाते हैं लाउड स्पीकर्स, फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है अंडर डिस्प्ले, और कलर्स मिल जाते हैं ग्रे एंड ग्रीन। तो बस गाइस, ये थी इसकी कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं इसकी रिलीज एंड प्राइस की। तो ये फोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 23 जुलाई 2020 को, और इसका बेस वेरिएंट मतलब 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज का एक्सपेक्टेड प्राइस है 36,890 रुपीज। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फोन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।